हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैं एक बहुत ही सिंपल सी रेसिपी, जो कि है वेज फ्राइड राइस की रेसिपी, जिसे कि बच्चे बड़े कोई भी बना सकता है। जो न्यू कुकिंग सीख रहे हैं उनके लिए भी ये बनाना जो है बहुत ही इजी है और एकदम आपका परफेक्ट रिजल्ट आएगा। एक बार आप ट्राई ज़रूर करना। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए वीडियो में पूरा एंड तक। और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन के साथ करना, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। तो ये राइस बनाने के लिए जो जो सामान चाहिए वो मैं आपको दिखाती हूँ, तो चलिए मेरे साथ। तो इसके लिए हम लेंगे गाजर, शिमला मिर्च और बीन्स लिए हैं मैंने, और इसमें जो जाएगा चीनी, हरी मिर्च, लहसुन और जो अनियन ले लिए हमने, हरा अनियन लिया है मैंने, और ड्राई फ्रूट में जाएगा इसमें किशमिश और जो टुकड़ा काजू, जो कि आप जो बड़े हैं आपके पास तो छोटे छोटे पीसेस में काट लेना। और मसाले में सिर्फ इसमें जाएगी काली मिर्च और नमक, और ये राइस जो है मैंने पहले से बॉयल करके रखे हुए थे, तो इसलिए जो है हमें राइस जो है इसके लिए गर्म नहीं चाहिए, ठंडे रखे होने चाहिए। जो पहले 2-3 घंटे पहले बना के रख लो या फिर 1 दिन पहले बना के रख लो। तो अब हम सब्जियां काट लेते हैं। तो सब्जियों में हम सबसे पहले गाजर को काट लेते हैं। गाजर को छील के जो इसके अंदर का पार्ट होता है उसको हमने निकाल देना है, ताकि जो गाजर का फ्लेवर है वो अच्छा रहे, वो ख़राब ना हो। तो देखिए सारी सब्जी को जो है हमने डाइस फॉर्म में काटना है। तो छोटे छोटे पीसेस में हमें सारी सब्जियों को काट लेना है। और आप ये सब्जियां भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, लाइक कॉर्न, ब्रोकली और मशरूम, पनीर, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन एक बार आप ऐसी सब जो मैंने लिए सब्जी इससे ट्राई करके देखना, फिर उसके बाद आपको ऐड करनी होगी तो कर लेना। तो हमारी सारी सब्जियां कट चुकी हैं। तो चलिए गैस, हमने गैस पे रख दिए कढ़ाई, और इसमें ऐड करेंगे हम जो रिफाइंड ऑयल, आपके पास अगर रिफाइंड ऑयल है तो रिफाइंड डालिए, नहीं तो फिर आप ऑलिव ऑयल डाल दीजिए। लेकिन सरसों के तेल में ये ऑयल जो है नहीं बनते हैं राइस। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे लहसुन, और लहसुन को ब्राउन नहीं करना है, जस्ट फ्राई करना है। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे हम काजू, ताकि काजू अच्छे से फ्राई हो जाएं। और इसके साथ ही जो है हमने डाल देनी है 2 हरी मिर्चें जो छोटे छोटे पीसेस में हमने काट ली थी। तो सारी सब्जियों को जो है हमने हाई फ्लेम पे हर चीज़ फ्राई करनी है। तो अब जो है अनियन डाला है मैंने, अनियन अगर आपके पास हरा है तो हरा डालिए, नहीं है तो आप दूसरा अनियन भी डाल सकते हैं। तो गाजर को जो है पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए सबसे पहले हम गाजर इसमें ऐड करेंगे, और हर चीज़ को जो है अच्छे से हमने हिलाते हुए फ्राई कर लेना है। तो अब बीन्स डाल देंगे, बीन्स जो है गाजर के साथ ही अच्छे से पक जाएंगी। और जो शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च जो है बहुत जल्दी हो जाती है, स्टीम के साथ ही हो जाती है, तो शिमला मिर्च भी डालेंगे हम। तो पहले डाल देते हैं हम किशमिश, तो किशमिश जो है सब्जियों के साथ ही फ्राई हो जाएगी। तो किशमिश मैंने लास्ट इसमें डाली है, ताकि जो किशमिश अगर पहले डाल देंगे तो वो जो है बहुत जल्दी जल जाती है, तो इसलिए हमने लास्ट में डाला है। तो अब इसमें डाल देंगे हम जी शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च अगर आपके पास जो 3 रंग की आती हैं, तो रेड आती है, येलो आती है, ग्रीन आती है, तो जो भी आपके पास हो वो डाल सकते हैं, और बहुत ही कलरफुल आप जो है राइस को बना सकते हैं। तो अब इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच नमक, और अगर आप कम खाते हो नमक तो थोड़ा कम ही डालना। तो इसमें वैसे 1.5 चम्मच जो है नमक का जाएगा, तो मैंने नमक ऐड कर दिया, और अच्छे से मिला देंगे इसको। अब इसमें डाल देंगे ये काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और अगर स्पाइसी ज़्यादा खाते हो तो आप रेड जो रेड मिर्ची आती है वो भी डाल सकते हैं। तो मैं ज़्यादा मिर्च नहीं प्रेफर करती हूँ, तो मैं इसलिए थोड़ा लाइट ही रखती हूँ। तो अब इसमें डाल देंगे ये चीनी, तो चीनी से जो है सारी सब्जियाँ कैरमलाइज हो जाएंगी, और इनका क्रंच जो है बहुत ही अच्छा मेंटेन होता है, और इनका कलर जो है एज इट इज़ रहता है। थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक के पकाएंगे, और थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसको चेक कर लेंगे कि सब्जियां जो है हमारी बहुत ज़्यादा गलनी नहीं चाहिए सब्जियां, बस जस्ट इनको थोड़ी सी सॉफ्ट होनी चाहिए बस। तो एक गाजर का पीस जो है हम उठा के देख लेते हैं, अगर वो नरम हो गई तो इसमें सारी सब्जियां जो है हमारी नरम हो जाएंगी। लेकिन अभी ये थोड़ी सी सख्त है, इसलिए अभी हम थोड़ा इसको और पका लेते हैं ढक के। तो 2 मिनट के लिए और पका लेते हैं।
तो ये देखिए आप देख रहे हैं कि सारी सब्जियां जो है एकदम खिली खिली हैं, बहुत आपस में मिक्स नहीं हुई हैं, एकदम क्रंच जो है इनका मेंटेन है। तो हमने अब इसमें ऐड करने हैं ये राइस, जो बॉइल्ड राइस जो हैं हमने 3/4 राइस लेने हैं, जो पूरे फुल राइस होते हैं उनसे नहीं ये अच्छे लगते, ये 3/4 राइस से ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह से हमने इनको कोट कर लेना राइस को, और बहुत ही ज़्यादा देखिए कलर कितना अच्छा आया इसका। तो इसमें कोई भी मैंने सॉसेस ऐड नहीं की और ना ही कोई मैंने दूसरा मसाला ऐड किया है, आप चिली फ्लेक्स भी मैंने नहीं ऐड किए हैं, अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मैं स्पाइसी जो है प्रेफर नहीं करती हूँ। तो किसी भी और स्पैचुला के साथ लेके अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए हमारे राइस जो हैं कितने कलरफुल और कितने अच्छे राइस बन के हमारे रेडी हो गए हैं। तो इसको जो हम डेकोरेट करेंगे जो हरे धनिए के साथ, और हरे धनिए का जो फ्लेवर है हर सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। तो अच्छी तरह से सारी सब्जियों का मिक्स कर लेना, और हमारे राइस जो है हमारे बन के तैयार हो गए हैं। तो एक बार आप ये राइस जो है ज़रूर ट्राई करना, और मेरे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसे लगे आपको मेरी रेसिपी। तो अब आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। तो एक बाउल ले लेंगे, और बाउल में जो है हमने राइस डाल देने हैं, और इसको थोड़ा प्रेस करके थोड़ा सा दबा देना है, ताकि जब हम इसको प्लेट के ऊपर ऐसे पलटेंगे तो ये जो है परफेक्ट शेप में आए। तो ये देखिए प्लेट इसके ऊपर रख के, और ये देखिए राइस जो है हमारी परफेक्ट शेप आई है। तो कोई भी चीज़ आप बनाइए, अगर आप सब अच्छे से करते हो तो उसका टेस्ट जो है देखते ही खाने का मन करता है। तो इसलिए सर्व करने टाइम इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। तो मैंने इसको डेकोरेट किया, ऊपर एक और धनिया की पत्ती लगा दी है। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं राइस, कितने अच्छे लग रहे हैं राइस। आप इसको ऐसे ही खाइए, या फिर इसको मंचूरियन के साथ खाइए, या दही, जो भी इसके साथ भी आपको पसंद है वैसे खाइए। लेकिन मैं जो इसको ऐसे ही खाऊँगी, थोड़ा बहुत कुछ चटनी वगैरह ले लूँगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यम्मी बने राइस। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ भी मेरा चैनल शेयर करना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।